बच्चों, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले वनभूमि में खेला जाए। समय आ गया है ना मेरे बच्चे, समाचार मिला है कि शीघ्र ही अर्जुन वार्णावन पहुंचेगा। वार्णावन के भवन में हमारे पांचों शत्रु एकत्रित होंगे। उसी भवन में तुम्हारा युवराज सुई यज्ञ होगा। युवराज सुई यज्ञ, राजा जब अपना सामर्थ्य सिद्ध करता है तो उसे राजसुई यज्ञ कहते हैं। फिर ये दुर्योधन अपना युवराज पद सिद्ध करने जा रहा है, इसलिए युवराज सुई तात्पर्य वर्णवर्त में प्रवचन ने भवन का निर्माण किया है। ईंट, मिट्टी और पत्थरों से नहीं, लाल रुई, पशुओं का मांस, घी और सूखी घास, सारे ज्वलनशील पदार्थों से बनाया है। यज्ञ होगा वहां पर, यज्ञ। उस यज्ञ में वो भवन होगा यज्ञ वेदी मित्र। और मेरे शत्रु आहुति बनकर भस्म होंगे इस यज्ञ में। बात श्री हस्तिनापुर की कोई चिंता मत कीजिएगा। नहीं दुर्योधन, हस्तिनापुर की चिंता नहीं है मुझे। प्रजा के सुख की योजना तो स्वयं ईश्वर करता, चिंता तो व्यक्ति की करनी पड़ती, क्योंकि ईश्वर व्यक्ति की रक्षा तभी करता जब वो धर्म की रक्षा करता। तुम्हारी चिंता है मैं दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र आपकी चिंता का कारण समाप्त हो जाएगा भ्राता भीम। अन्य कोई मार्ग नहीं है अर्जुन, चारों तरफ से आग लगा दी उस प्रवचन ने। अर्जुन साधना होगा। नहीं, यदि आग बुझ गई तो सबको पता चल जाएगा कि हम जीवित हैं। ये दीवारें भी पिघलने लगी हैं ज्येष्ठ,